हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग देवास जाने वाले हैं। हमने सोचा आपको उज्जैन की लोकेशन देख देख के थोड़ा बोर हो गए, तो हम आपको देवास का शेयर करवाते हैं, देवास दिखाते हैं आपको। और ये युवराज भाई के पास है डिस्कवर 100cc, और ये आशीष के पास भी प्लेटिना। तो हम लोग आज इनसे जाने वाले हैं। सो गाइस, देवास हम लोग जहाँ लोकेशन खड़े हैं वहाँ से देवास है कितना किलोमीटर है युवराज भाई? आना जाना 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो आना जाना हमारा हो जाएगा 100 किलोमीटर करीबन। चलिए चलते हैं, आपको वहीं चल के दिखाते हैं हम लोग। सो इस पहले मैंने बाइक इसे दिखाई क्योंकि हमारे पास जो बाइक थी प्लेटिना और डिस्कवर, तो आप लोग उससे ब्लॉगिंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपके पास KTM या बुलेट हो। और हम लोगों ने पहले मक्सी और देवास बाईपास से जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे अंदर जो सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा होगा, तो हमने ये रास्ता चुना है। और ये ब्रिज देख रहे हो आप, कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। और स्ट्रीट लाइट जो यहाँ पे लगी हुई है ये काफ़ी अच्छी लग रही है। ये रास्ता पूरा उद्योगपुरी में निकला है, यहाँ से उद्योगपुरी होके जाएंगे हम लोग, वहाँ से डायरेक्ट नागजीरी होते हुए देवास रोड लग जाएंगे। ये सामने का व्यू देख रहे हो आप, कितना प्यारा लग रहा है। और ये हम लोग उद्योगपुरी होते हुए देवास रोड लग चुके हैं। और ये देवास रोड है देख रहे हो आप, और ये देवास रोड पे एक गेट आता है, गेट का नाम तो मुझे पता नहीं। काफ़ी अच्छा लग रहा है गेट। और उज्जैन से देवास जाते हुए 5 से 6 गांव आते हैं, और ये गांव है दताना। रोड काफ़ी ज़्यादा ट्रक चल रहा है क्योंकि इस पर छोटा रोड है और ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। और गाइस, दताना गांव में ही MIT परिसर भी, MIT कॉलेज के आगे कोई सी ब्रिज बन रही है। रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो रहा है यहाँ पे, इसका काम चल रहा है। आप तो देख रहे हो रोड काफ़ी छोटा है, तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है यहाँ पे निकलने में, क्योंकि उज्जैन और देवास का मेन हाईवे भोपाल जाने वाला हाईवे है, और बसें वसें ज़्यादा चलती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। और उसके आगे एक गांव है नरवर गांव, नरवर गांव में एक टोल टैक्स पड़ता है जो कि अभी तो बंद है, लेकिन एक समय में चालू था। देवास और उज्जैन में बस यही एक टोल टैक्स आता है, उसके अलावा कोई सा नहीं। और ये युवराज भाई धूमपुर के हीरो है ये। अभी इनकी शूटिंग थोड़ी सी रुक गई थी क्योंकि कोरोना आ गया था, बाकी अगली बार जो पिछली बार इनकी शूटिंग चल रही थी उज्जैन में चल रही थी इनकी। इसके आगे एक और गांव है बेरागढ़, यहाँ पे पुलिया बन रही है, काम चल रहा है अभी यहाँ। और रोड का नज़ारा तो आप देख ही रहो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद एक और गांव तो 7-8 यहाँ पे, लेकिन हमें नाम तो पता नहीं प्रॉपर किसी का, फिर भी जो जो पता है वो बताता जा रहा हूँ आपको। यहाँ से भोपाल 159 किलोमीटर है, भोपाल जाने वाला हाईवे भी यही है। और हम लोग देवास में एंटर हो चुके हैं, देवास की सीमा प्रारंभ हो चुकी है यहाँ से। हमें जहाँ पे जाना है वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले जाएंगे चामुंडा माता की टेकरी पे।
फाइनली देवास पहुंच चुके हम लोग। ये हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं, वो देवास शुरू हो चुका है वहाँ से, और आपको चल के दिखाते हैं हम लोग यहाँ की लोकेशन सारी, अच्छे जो प्लेस होगी सब सारी दिखाएंगे। तो जैसे आप देवास में एंटर हो गए तो पहले सबसे पहले एक ब्रिज पड़ता है, चामुंडा माता टेकरी जो लिखा हुआ है यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर। हम लोग सबसे पहले देवास में जाएंगे चामुंडा माता की टेकरी पे, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है देवास में, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। तो हम लोग पहले वहीं पे जाएंगे, और अगर समय मिला टाइम मिला वहाँ पे तो दूसरी लोकेशन भी दिखाएंगे आपको। ट्रैफिक तो काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि चामुंडा माता के दर्शन के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, उस वजह से ज़्यादा ट्रैफिक है। बाकी देवास में लिटरली ऐसा ट्रैफिक होता नहीं। सामने से अगर अपन इधर से जाएंगे तो टेकरी दिखी जाएगी, ये सामने देख रहे हैं आपको टेकरी, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और ये टेकरी देवास के बीचों बीच स्थित है, यहाँ ऊपर चढ़ के अपन देखते हैं तो पूरा व्यू दिखता है देवास का, ये ब्रिज पे से दिख रही है टेकरी, काफ़ी ऊंचाई पर है। टेकरी पे 2 माताएं, एक तो तुलजा भवानी और एक चामुंडा माता। तो वहाँ पे माना जाता है कि एक छोटी माता एक बड़ी माता से के नाम से जाना जाता है। आपको टेकरी पे जाके दिखाएंगे हम लोग, नाइट का व्यू भी दिखाएंगे और डे का भी दिखाएंगे। यहाँ से व्यू काफ़ी प्यारा लग रहा है। देवास सिटी में एंटर हो चुके हैं, ट्रैफिक तो मिलेगा यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन बाहर का कोई रास्ता है नहीं, आप यहीं से जाना पड़ेगा हमें। और गाइस देवास को दरवाजों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे हैं, और देवास के नाम में उसका अर्थ छुपा हुआ है, जैसे कि देववास मतलब देवों का वास। ये सामने दरवाजा दिख रहा है आपको, ऐसे कई दरवाजे हैं। ट्रैफिक देख रहे हो आप, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। ये बस स्टैंड महात्मा गांधी बस स्टैंड, और बस स्टैंड के ठीक सामने चामुंडा माता की टेकरी, हम लोग वहीं भी चल रहे हैं अभी, चलिए आपको चल के दिखाते हैं। सो गाइस यहां से जूम करके दिखाता हूं मैं आपको टेकरी, जितना जूम हो सकता होता जितना पॉसिबल हो सकता होता दिखा देता हूं। तो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए हम लोगों ने इसका सेकेंड पार्ट भी बनाया, तो आप लोग सेकेंड पार्ट देख लो, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग उसमें देखें।